आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड के एक ऐसे पुलिस अधिकारी जिनकी कप्तानी में उत्तराखंड पुलिस ने बहुत सी उपलब्धियां अपने नाम की है, जिनका मकसद है समाज से जुर्म का नामोनिशान हटाना, जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड में अपराध की गति धीमी पड़ गई। एसएसपी अजय सिंह एक ऐसे अधिकारी जिनकी कप्तानी में एसटीएफ उत्तराखंड के द्वारा अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। एसटीएफ उत्तराखंड के द्वारा सभी प्रकार के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें इनामी अपराधी, नशा तस्कर, अवैध हथियार डीलर, फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर, वन्य जीव तस्कर, ऑनलाइन सट्टेबाज, माओवादी व साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ उत्तराखंड में जब से एसएसपी अजय सिंह ने कार्यभार संभाला है, तब से एसटीएफ उत्तराखंड नित नए नए इतिहास रच रहा है। हाल ही में टीम ने एक नया कीर्तिमान रचा है। सीओ साइबर अंकुश मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ साइबर कॉप के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड पुलिस की इन सभी उपलब्धियों से पूरा राज्य आज गर्वान्वित महसूस कर रहा है। एसएसपी अजय सिंह की कप्तानी में उत्तराखंड पुलिस समय के साथ साथ नई बुलंदियों को छू रही है। एसएसपी अजय सिंह ने जय भारत टीवी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। आज हमारे साथ उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया है। न सिर्फ अपने लिए ही उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन साथ साथ उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया है। तो हमेशा से इनका जो प्रोफेशनल करियर है उस पर वो बड़े पदों पर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है और हमेशा अपने इन पदों को अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया है। तो सर, आज हमारे साथ हैं एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह सर। सर, आपका बहुत स्वागत है जय भारत टीवी में। थैंक यू। तो सर, आपसे एक छोटा सा बैकग्राउंड चाहेंगे कि आपकी जर्नी का, आपने कैसे शुरुआत की, हमेशा से क्या था आपका लक्ष्य, क्या बनना चाहते थे और कैसे पहुंचे आज इस पद पर? आप देखिए, लक्ष्य तो लाइफ में जो है समय समय पर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अपना करियर ओरिएंटेशन होता है। लेकिन पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने का एक लक्ष्य था, सोच थी, और उसमें आने के बाद मुझे लगता था कि वो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा, और जिस तरह से उत्तराखंड राज्य में आकर सेवा करने का मौका मिला तो उससे और जॉब सेटिस्फेक्शन हुआ। शुरुआती स्टेज में 2005 में जब ज्वाइन किया करियर को, तो यहाँ पर विभिन्न जनपदों में पोस्टिंग रही, खासकर जब प्रमोशन के बाद एडिशनल एसपी वर्दी में एसपी देहात, एसपी सिटी का अच्छा एक्सपोजर रहा यहाँ पर। और फिर जब आईपीएस में इंडक्शन हुआ, 2014 बैच मिला, तो मुझे लगता था कि एक इंडिपेंडेंट जब जिम्मेदारी मिली, खासकर जब मैं एसएसपी एसटीएफ के पद पर आया, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए। और मैंने नज़दीक से देखा कि क्राइम सिर्फ एक अपराध, स्ट्रीट क्राइम नहीं, चोरी लूट डकैती नहीं, इसके साथ ही बहुत तरह के अपराध हैं जिस पर फोकस किया जाना चाहिए, और उसको प्रायोरिटीज़ पर लेकर के करके जो दिशा निर्देश थे हमारे सीनियर अधिकारियों के, उस पर काम किया गया। जैसे आपने कहा कि क्राइम बहुत तरीके के होते हैं, विभिन्न तरीके के, हमने देखा कि एसटीएफ जब आपका नेतृत्व था तो अब कई सारे ऐसे ऐसे केस सॉल्व हुए, जैसे कि उत्तराखंड से बाहर भी हों तो आप लोगों ने जो अपराधी है उन्हें पकड़ के उत्तराखंड में लाया गया, और साथ साथ अगर नशे की तस्करी की बात करें, शराब की तस्करी की बात करें, वो सॉल्व हुए। साइबर टीम जो है उसने भी बहुत अच्छा काम किया, मतलब जितने भी फ्रॉड थे साइबर, वो सब भी सॉल्व किया। आपके लिए खासतौर पर क्या चुनौती रही? हाँ देखिए, जो प्रायोरिटीज़ हमारी वही होती हैं जो हमारे सीनियर अधिकारी या जो हमारे स्टेट की जो प्रायोरिटीज़ होती है। तो माननीय जो डीजीपी साहब हैं, जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया तो चार ही चीज़ों को बहुत ही मुख्यतः लिया गया, जिसमें था महिला अपराध था, ट्रैफिक था, और ड्रग्स और साइबर अपराध थे। इन चारों चीज़ों को फोकस एरिया लेकर उत्तराखंड पुलिस आगे बढ़ी, और उसी मुकाम में दो हमारे दायरे में डायरेक्ट आते थे, जिसमें हमारा साइबर क्राइम हो और ड्रग्स हो, इसको प्रायोरिटी पे लिया। जो ऑर्गेनाइज तरीके से अपराध बढ़ रहे थे उसको प्रायोरिटी पे लेते हुए इसमें कार्रवाई की गई। और फिर ये पता चला कि जिस तरह से हम देखते हैं कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ हम एक ऊपरी सतही तौर पर देखते हैं, उसकी तह में जाने की कोशिश की गई, ऐसे कौन लोग हैं जो बाहर से सप्लाई कर रहे हैं या यहाँ से सप्लाई हो रही उत्तराखंड से, इन चीज़ों की स्टडी करके टीमें बनाई गई, और इसमें काफ़ी सफलता मिली। खासकर ऐसे अपराधी जो बाहर के प्रांतों से, चाहे बरेली हो, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से, इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम को यहाँ पर दे रहे थे, उन पर भी नशे की कार्रवाई की गई, और जो लगातार अभी जारी है।
सर, आपकी कप्तानी में देखा गया कि उत्तराखंड को बहुत सा मान मिला है, तो अभी हाल ही की बात करें तो आप जानते हैं कि पूरे देश भर में हमारे उत्तराखंड से ही सीओ अंकुश मिश्रा को मिला है साइबर कॉप का, सुपर साइबर कॉप का अवार्ड। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनके लिए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये साथ ही साथ प्रदेश के लिए भी एक अचीवमेंट होता है कि एक छोटा सा हिमालय राज्य है और जहाँ पर पूरे देश में विभिन्न एजेंसियाँ, विभिन्न स्टेट्स इतने एडवांस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके साथ हम कंपीट करके बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ भी रहे हैं। और उसमें जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में जो हुआ, इसमें प्रेजेंटेशन हुआ था और इसमें तीन बेस्ट जो फाइनलिस्ट थे उनमें अंकुश मिश्रा जी का नाम था। तो ये एक अपने आप में ये सिर्फ व्यक्तिगत अचीवमेंट ना होकर एक टीम का अचीवमेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट है, साथ साथ प्रदेश की जो पुलिस है उसके लिए इंस्पिरेशन भी होता है कि हम कहीं भी अपना अगर ईमानदारी और लगन से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां अपने हम प्रदेश का नाम कर सके। धन्यवाद सर, जय भारत टीवी से बात करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आशा करते हैं कि आपकी जो कहानी है वो सबके लिए प्रेरणादायक होगी। थैंक यू।